खाली टांगे व्लॉग अभी ने बहुत सेक्सी सा मज़ा आएगा सुबह। अरे और ये भंगी बने बैठ गए, ये साइकिल से जाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। तो फाइनली जाके अब दाढ़ी वाड़ी बन चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरे एकदम सेट हो चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से। तो अभी भाईजान का आखिरी प्रोसेस चल रहा है, वो भी कर लीजिए, कर लीजिए। तो जब से कोरोना वरोना शुरू हुआ है तो इसके लिए ये भी एक फैसिलिटी मान लीजिए, वरना टिश्यू कुछ और भी काम होते हैं, लेकिन अब जब कोरोना शुरू हो गया है तो इसके लिए भाईजान ये सब टिश्यू पेपर से ही सारा काम करते हैं, पोंछने से लेके जितनी भी चीज़ें हो गई। इसीलिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग मानते नहीं हो, जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ मतलब मैं दिल से करता हूँ। अब यहाँ का कर रहा है तो यहाँ का भी दिल से किया है, जो कार वाले कर रहा था वो भी एकदम दिल से कर रहा हूँ, तो जहाँ काम अच्छा लगता है वहीं का काम करता ही हूँ मैं। ये क्या लगा रहे हैं भैया? ये फाइनल क्रीम है, ब्राइटनिंग क्रीम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लुक आया आफ्टर, अभी उससे पहले जो बिफोर था वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी एडिटिंग करके। तो चलिए फिर चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं घर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस से ऐसे ब्लॉग्स, और होप सो आप लोग सब लोग बढ़िया हों, मज़ेदार हों। और मेरा नाम है सैयद फरहत। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, फिर से मैं वो कर रहा हूँ, नहीं वो आज ही की वीडियो थी, लेकिन उसमें जो मैंने इंट्रो दिया था उसमें इतना गाना बज रहा था कि वो इंट्रो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो इंट्रो कट कर दिया। फिर मैंने अपना वही दाढ़ी वाड़ी बनवा ली, थोड़ा ग्रूमिंग वूमिंग अच्छे से करवा ली, जो आपको देखने में शायद अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छी लग रही है। तो बस वही अभी रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ, तो आज रास्ते की वीडियो ना दिखा के थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो अभी तो रास्ते में हूँ, तो पहुँचता हूँ, फिर आपको आगे की वीडियो थोड़े बहुत दिखाता हूँ। तो चलिए, और ये देखिए ज़रा, ये VIP रोड है, ये हमेशा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने रोड बनाई है अभी, जस्ट कल आधी बनी थी आज आधी बन गई है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, घर के पास पूरा गड्ढे 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 खुदे हुए हैं, वहाँ रोड नहीं बन रही है, यहाँ रोड बन रही है, जहाँ की रोड पहले से अच्छी थी। पता नहीं क्या होगा भाई, सरकार होगा, सब अपने मुताबिक काम करते हैं। कुछ जगह की बन रही है, कुछ जगह की नहीं बन रही है, हमारे घर की तरफ तो काफ़ी गड्ढा है यार अभी भी। तो चलिए रास्ते में पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। राज यार, आज आप लोग से एक बात शेयर करनी थी यार। साइकिल वालों को दर्द पता चलने लगा है, कोई कुछ मानता ही नहीं साइकिल वालों की। मतलब मैं साइकिल चला रहा हूँ, आसपास से जो भी गाड़ी दे रही है कोई दबाए जा रहा है, बाइक निकली तो दबा रहा है, कार निकली तो दबा रहा है। होता क्या है ना कि लोग सोचते हैं कि साइकिल से जा रहा है कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फर्जी रोड तो ऐसी ही बनी है साइकिल वालों के लिए, तो वो तो ऐसे ही चला जा रहा है। कार वाला लिटरली आया वहाँ पर और इतनी तेज़ से मुझको दबाया उसने अंदर, कसम से हम लोग जैसे लोगों को तो रोकना पड़ जाता है अपना गुस्सा, वरना कभी कभी मन करता है कोई ऐसा कर रहा हो तो सीधे लात ही मार दें। ये छोटी सी बात है यार, अगर कोई साइकिल वाइकिल चला रहा हो, आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो यार, साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है कि एक्सीलेटर लिए आगे बढ़ जाए, थोड़ा सब्र कर लो। या कोई बूढ़े अंकल हैं तो उनको जाने दो, फिर आगे निकल जाना, तुम्हारा कुछ नहीं चला जाएगा भाई, तो ध्यान रखें आप लोग। भैया अभी मेरा ख्याल करते हुए डाइट वाली चीज़ें रखे हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं आया भैया ने ये प्रोवाइड कर दिया यार। लेकिन साइकिल से जितना आराम है उतना दिक्कत भी है, क्योंकि एंकल में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और थाइज में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ हद नहीं। इसका कोई रीज़न होगा भैया? 3 दिन से कर रहा हूँ साइकिलिंग, इस वजह से है ना, एक हफ्ते तक ऐसे रहेगा, उसके बाद इसकी हैबिट हो जाती है। साथ में लेग भी लगवा रहे हैं ना, वो डैमेज होते हैं। हाँ, मतलब बनते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कुछ दिन की बात है, सह लेते हैं, खाते हैं अभी डाइट। सो फाइनली आई एम इन जिम, और यार बहुत अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया इन्होंने हेयर स्टाइल वैसे सेट कर दिया था, तगड़ा लग रहा है। चलिए
चलिए जिम कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा वार्म अप किया है, अब आ रहे एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अबे ये ब्लेड क्या लगाई है, इतने से क्या होगा? तुम क्या चाह रही हो, आज घर जा ही ना पाया? अच्छा नहीं चलो। और रो रहे हैं कि मुझे साइकिल से जाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। देखिए फिर रो रहे हैं, कितना रोते हैं, हाउ मच डू यू क्राई। अब हम कह रहे हैं आज के लिए बस करें, हम कह रहे हैं आज के लिए बस करें, हो गया बाकी कल से आ जाइए फिर। शाबाश गाइस, आज लगाया खाली टांगे व्लॉग के लिए एक्टिंग करना चाहते थे ये, पर अभी ना खुद समझ आ रहा है। रुक जाइए भाई, आज मैंने सोच के रखा था, एक मिनट, मैंने आज सोच के रखा था कि आऊंगा घर से, इनसे बोल दूंगा जिस दिन लाइव होगा उस दिन बता देना, उस दिन कार से या बाइक से आऊंगा, और ये आज ही करा दिए। और अभी ने बहुत सेक्सी सा मजा आएगा सुबह। अरे और ये भंगी बने बैठ गए। बता ब्रो क्या हाल चाल? छोड़ दे। तो ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब स्कूल टाइम के दोस्त हैं, आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे मिले हैं उनको साथ में। इनका नाम है हर्षित और हम लोग बैठ के खूब स्कूल उल की मारे हैं। ये स्टंट बॉय हुआ करते थे एक टाइम के, मतलब ये साइकिल से आया करते थे, एकदम स्टंट वंट बना के लड़की आते थे ये बेटा। तो आज देखो कायदे में आ गए, स्कूटी उटी चल रहे एकदम, घर वाले एकदम बच्चे बन के, बस हो गया, वह सब टाइम निकल गया, सब निकल गया। राजन से मिलना होता है, आता रहता है यार, भी रिसेंटली मिला था, आता रहता है यहीं आशियाना में, तो मिलता है। अमन ने यहाँ शॉप खोली है। हाँ और सब बढ़िया है, चलो बाय बाय। आज ऐसा जिम लगवाया है लोगों ने कुछ हद नहीं, तो अभी रास्ते में यहाँ पे दिख गए थे अंडे वाले भैया, तो सोचा अंडा खाते हुए जाएँ, तो अंडा खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस अंडे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंडे के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं आज दो अंडे खाऊंगी, बाकी घर जाके चार और खाऊंगी। रोज खाओ अंडे। अभी क्या था लाइन, भूल गए? हाँ संडे हो या अंडे, इतना भी नहीं पता यार। कल तो छुट्टी होगी ना? यस, कल खूब रिलैक्स करूंगा, हॉलीडे और हम लोग घर में स्किपिंग लगाएंगे, 4000 आप 4000 में, कुछ नहीं लगाऊंगा मैं कल। यार गाइज अभी जस्ट मैं जिम से निकला हूँ, लेकिन आज मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ट्रेनर भैया ने खेल गए, विशाल भैया एकदम खेल गए आज। मुझे लगा मिक्सी होगा, और मैं आज जाके कहने ही वाला था कि जब लेग्स का डे आएगा तो आप मुझको बता ज़रूर दीजिएगा कि लेग्स लगाना है आज। मैं तब उस दिन कार से आता या तो बाइक से आता, इन्होंने मुझे बताया नहीं और आज लेग्स लगवा दिया। लेग्स प्लस साइकिल मार दिया भाई, हालत एकदम ख़राब है मेरी इस टाइम, एकदम ख़राब। कैसे मैं घर पहुंचूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं कुछ 600-700 बस चलाया हूँ मीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलाया हूँ, और मेरी हालत अभी भी ख़राब है और बहुत लंबा जाना है। और आज घर के पास पता सुनने में आया मेला वेला भी लगा है, लिटरली पैर इतने ज़्यादा टाइट हो गए ना मैं बता नहीं सकता। आज मैंने करीब 100 स्क्वाट लगाई, फिर डंबल से 3 सेट 10 के, फिर 3 सेट 12.5 के, फिर 3 सेट 15 के, 20 20 20, और फिर 12 12, फिर 10 10,
करीब तो यही 100 पार हो गया। फिर उसके बाद एक्सटेंशन, लेग प्रेस, एक्सरसाइज, और आज ऊपर वाले ने मुझे हिंट दिया था। मेरा आज मन कर रहा था मैं बाइक से जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या यार, मैं नहीं माना। मैंने कहा ब्रेक कर लूँगा, आलस आएगी फिर नहीं करूँगा, इससे अच्छा करता रहूँ, और ये हालत हो गई है। साइकिल बिल्कुल आज एकदम चलाई नहीं जा रही यार, बहुत ज़्यादा एकदम फटी पड़ी है। मैं ये सब वर्ड यूज़ नहीं करता, लेकिन आज निकल रहा है। लेकिन यार सही है, विशाल भैया अच्छा लगवाते हैं, मज़ा आ रही है साथ में, तो अभी करते हैं। चलिए फिर घर निकलते हैं आगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। अभी दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। भाई लोग मेला वेला घूमने आए भाई, वो ओ भाई लोग मेला घूमने आ गया हैं? नहीं भाई, कार्निवल में ये मेला लगा हुआ है, इन्हीं लोग से मिलने आ गया था, तो अब वापस जा रहा हूँ। भीड़ बहुत है, तो हम लोग अंदर अंदर घुसेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, तो चलते हैं वापस। अरे बाप रे बाप, अबे ये नशे में लग रहा है भाई, साले आपस में हटर भाग भाग भाग।